हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़, स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो अपने पीछे बाइक खड़ी है अपनी अपाचे आरटीआर 165 आरपी, और फाइनली भाई अपनी बाइक के नंबर आ चुके हैं, और जो नंबर आए हैं अपनी बाइक के वो थोड़े से वीआईपी नंबर हैं, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और आज का जो वीडियो है वो पूरा बाइक नंबर के ऊपर ही है कि जो बाइक के नंबर आते हैं वो आप वीआईपी नंबर कैसे ले सकते हैं, इसका क्या चार्ज वगैरह लगता है, क्या प्रोसेस होती है। इसके अलावा आपकी बाइक के जो नंबर होते हैं वो कितने दिनों में आते हैं, जो नंबर प्लेट होती है वो कितने दिन में आती है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे डाउट है कई भाई लोगों के। तो आज छोटा सा एक वीडियो बना के सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो भाई एंड तक देख लेना ताकि जो भी डाउट वगैरह सारे क्लियर हो जाए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हो और आपको बाइक रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार सबसे पहले तो आपको मैं नंबर दिखाता हूँ अपनी बाइक के, जो नंबर आए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी बाइक के नंबर आए हैं यहाँ पे 3434 RJ14KQ3434। तो काफ़ी अच्छे नंबर है भाई, थोड़े से वीआईपी नंबर अपने इनको कह सकते हैं। बाकी ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिली है अपने को शोरूम की तरफ से, उस सेम आपको यहाँ पे बैक नंबर में भी काफ़ी अच्छी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देखने को मिल जाती है। तो ये नंबर अपने, बाकी इसके ऊपर यार जो आती है डिज़ाइन वाली प्लेट वो हमने नहीं लगवाई, थोड़ी सी सही नहीं लगी मेरे को तो मैंने नहीं लगवाई। और ये अपनी बाइक देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है, और इस पर काफ़ी सारी वीडियो मैंने पहले भी बना रखे हैं, अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, और आगे भी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं इसके ऊपर। तो फिलहाल बात करते हैं अपन नंबर प्लेट के बारे में। तो यार सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि मेरी बाइक के जो नंबर आए हैं 3434, इसके लिए मैंने कितने पैसे पे किए हैं, मतलब कितना चार्ज वगैरह लगा है मेरा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भाई, मेरा यहाँ पे एक रुपये भी नहीं लगा है। और कैसे क्यों नहीं लगा ये आपको बता देता हूँ कि जब बाइक मैंने परचेस करी थी तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही थी बाइक नंबर की वो मतलब इसके अराउंड ही चल रही थी। तो जिस शोरूम से मैंने परचेस करी थी तो वहाँ पर RTO का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, और भैया ने कहा कि यार थोड़ी देर वेट कर लो, आप हो सकता है आपको 3434 भी मिल जाए। तो हमने थोड़ा वेट किया और उसके बाद हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि ये जो नंबर है हमको मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे अगर आपको ऐसा कोई भी वीआईपी नंबर चाहिए जैसे कि 3434 4444 या फिर जैसा कोई भी वीआईपी नंबर चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको 5000 की DD RTO में जमा करवानी पड़ती है बाइक लेने से पहले। बाइक की बिलिंग होती है और 5000 की DD अलग से आपको लगानी पड़ती है, उसके बाद वो नंबर अलॉट होता है। अगर उसकी बोली वगैरह लगती है तो जो पैसे हैं वो और ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ 5000 में भी आपको नंबर मिल जाता है। तो ऐसी कुछ प्रोसेस होती है। बाकी जो नंबर मेरे हैं वो काफ़ी जल्दी आ गए थे, ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप न्यू बाइक परचेस करते हो तो कितने दिन में नंबर आते हैं। तो देखो यार ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है आपके डीलर पे कि वो RTO रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है। जहाँ से मैंने बाइक परचेस करी थी वहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट था भाई, और जो RTO रजिस्ट्रेशन है वो उन्होंने सेम डे ही कर दिया था। तो मैंने बाइक शाम को परचेस करी थी और शाम को ही मेरे नंबर आ गए थे, मतलब बाइक में घर लेके नहीं आया था, उससे पहले जो नंबर है बाइक के वो मेरे पास आ गए थे, मैसेज वगैरह आ गया था। तो एक दिन में मेरे को बाइक के नंबर मिल गए थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कि जो इसकी नंबर प्लेट है वो कितने दिनों में आती है, तो नंबर प्लेट का ये है भाई कि अप्रोक्स मान के चलो 1 वीक के अराउंड लग जाता है। तो मैंने जब ये बाइक परचेस करी तो 7 दिन के अंदर मेरे को यहाँ पे नंबर प्लेट मिल गई थी, मतलब लगवाई मैंने लेट थी लेकिन शोरूम से कॉल आ गया था कि भैया आपकी नंबर प्लेट आ चुकी है तो आप यहाँ से ले जा सकते हो। तो नंबर प्लेट जो आती है ना अप्रोक्स मान लो कि 1 वीक के अंदर अंदर आ जाती है, लेकिन काफ़ी डीलर क्या करते हैं यार कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो लेट करवाते हैं, फिर RTO भी लेट होता है तो नंबर प्लेट भी लेट आती है, तो फिर टाइम लग जाता है, 10-15 दिन लग जाते हैं। बाकी अगर सब कुछ सही हो तो एक हफ्ते के अंदर सारा काम हो जाता है, नंबर भी आ जाते हैं, नंबर प्लेट भी आ जाती है, और जो नंबर है वो मैंने आपको बता दिया है कि सेम डे मिल जाते हैं अगर आपका RTO सेम डे हो जाता है। तो यार ये तो बात हो गई नंबर के बारे में। अब ये बात कर लेते हैं कि जो RC वगैरह आती है वो कितने दिन में आती है। तो अप्रोक्स जो RC यार वो 1 महीने के समथिंग में आती है, 1 महीने के बाद आपको शोरूम से जाके कलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था, जो RC थी वो सीधा आपके एड्रेस पे पहुंचती थी, मतलब कि RTO से सीधा आपके एड्रेस पे आ जाती थी, लेकिन अभी क्या है शोरूम पे ही देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बीच में क्या होता था यार जो कई बार RC है वो डिलीवर नहीं हो पाती थी और कस्टमर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी, तो अभी शोरूम पर ही मिलने लग गई है। तो अगर आप भी न्यू बाइक परचेस करते हो तो शोरूम से अपनी RC ले सकते हो, 1-1.5 महीने में आ जाती है अप्रोक्स यार, 1 महीना या फिर 1 महीना 15 दिन के बीच में आ जाती है। तो बस यही था छोटा सा वीडियो, काफ़ी लोगों के डाउट थे। एक दो लोगों ने पूछा था मेरे से इंस्टाग्राम पे कि भैया आपने जो बाइक के नंबर लिए हैं 3434, इसके लिए आपने अलग से पैसे दिए हैं क्या। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना के सभी भाई लोगों को बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस वगैरह होती है। तो बस यही वीडियो बनाना था, तो यही था बस आज के वीडियो में। आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको ऐसे नॉलेज वाले वीडियो देखने को मिलते रहें। बाकी यार ये अपनी बाइक है अपाचे RTR 165 RP,
और जल्दी यार इसके ऊपर लॉन्ग राइड करने की सोच रहा हूँ मैं। लॉन्ग राइड पे जाएंगे, देखते हैं कहाँ का क्या विचार बनता है। मतलब कि ये मान लो 700-800 किलोमीटर की लॉन्ग राइड करने वाले हैं जल्दी ही, तो बस ये सब कुछ होने वाला है। बाकी यार बाइक कैसी क्या लग रही है कमेंट करके बताना। लुकिंग यार इसकी सच में काफ़ी अच्छी है। जब मैं इसको लेके निकलता हूँ रोड वगैरह पे तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार कौन सी बाइक है, मतलब क्या, मतलब दिखने में तो अच्छी लगती है लेकिन ये जो कलर वगैरह देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अपाचे ही है। या फिर ऐसे भी पूछते हैं, मेरे से कई लोगों ने पूछा है भैया आपने आफ्टर मार्केट करवाया है क्या, क्योंकि जो अलॉय व्हील वगैरह ना ये थोड़े से इसी टाइप के लगते हैं ग्राफिक्स वगैरह। तो मैं बताता हूँ कि यार नहीं, ये अपाचे RTR का नया मॉडल है 165, तो ऐसा कुछ सीन है भाई। तो बस यही सब कुछ बताना था आपको, बस इतना ही बताना था आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कुछ बातचीत करनी हो किसी भी बाइक के बारे में मेरे से तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इंस्टा पर आप किसी भी बाइक के बारे में मेरे से डिटेल से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।